नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। ऐसा प्रतीत होता है कि बिटकॉइन में रैली ने एयर पॉकेट पर असर डाला है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत ने पिछले 24 घंटों में ब्रॉडर मार्केट से कम अंडर परफॉर्म किया है। ये दिन ईथर और सोलाना यानी कि SOL जैसे अन्य प्रमुख प्रोटोकॉल का है, क्योंकि उनकी कीमत 19 महीने के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में BTC $45,000 के करीब पहुंचने के बाद दिन के दौरान $43,000 के करीब फिसल गया। ये दर्शाता है कि ट्रेडर्स ने एक हफ्ते पहले $38,000 से सबसे बड़े क्रिप्टो के ब्रेकआउट के बाद कुछ मुनाफा कमाया। हाल ही में बिटकॉइन 1.2% की गिरावट के साथ लगभग $43,335 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 24 घंटों में 5% उछलकर $2,372 पर पहुंच गई, जो मई 2022 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। ये वर्तमान में 5.1% ऊपर $2,358 पर ट्रेड कर रहा है। ईथर के प्रभुत्व वाले क्रिप्टो प्राइस गेन्स ने आसन्न टोकन में ऑप्टिमिज्म को बढ़ाया, जिससे वे दिन के बेस्ट परफॉर्मर्स बन गए। ईथर क्लासिक में 6% की वृद्धि हुई, जबकि लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल लीडो के गवर्नेंस टोकन लीडो में 11% से अधिक की वृद्धि हुई। इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम के नेटिव टोकन में भी दिन के दौरान क्रमश 22% और 9% की वृद्धि देखी गई। सोलाना 16% से अधिक उछलकर $69 पर पहुंच गया, जो मई 2022 के बाद सबसे अधिक है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.95% बढ़कर $1.61 बिलियन हो गया। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 6.9% कम होकर $71.3 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.2 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $63.1 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 10.2% और 88.5% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.8% है, जो दिन के दौरान 1% कम है। सर्वम AI, एक इंडियन जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ने लाइट स्पीड के नेतृत्व में और पीक XV पार्टनर्स और खोसला वेंचर्स द्वारा समर्थित सीरीज ए राउंड में $41 मिलियन जुटाए हैं। इस स्तर पर किसी भारतीय AI स्टार्टअप के लिए ये फंडिंग सबसे बड़ी है। सर्वम AI कस्टम AI मॉडल की ट्रेनिंग के लिए या एंटरप्राइज ग्रेड प्लेटफॉर्म के रूप में एक फुल स्टैक प्रोडक्ट विकसित कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य भारत में जनरेटिव AI को अपनाने में तेजी लाना है, क्योंकि एंटरप्राइजेस बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर्वम AI ट्रेनिंग AI मॉडल प्रदान करेगा, जो इंडियन लैंग्वेजेस का समर्थन करता है और इसमें वॉइस फर्स्ट इंटरफेसेस हैं। कंपनी का लक्ष्य पॉपुलेशन स्केल इम्पैक्ट के साथ जनरेटिव AI बनाना है। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिंथेटिक मॉडल्स और मेथड्स का उपयोग करके बनाई गई ऑनलाइन कंटेंट की पहचान करने और वाटरमार्क करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा है। ये डीप फेक जैसे सिंथेटिक मेथड्स के संभावित नुकसान के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अफेयर्स और पब्लिक पॉलिसी मार्कम एरिक्सन ने कहा कि सहयोग का उद्देश्य AI टूल और सिंथेटिक कॉन्टेंट के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बनाना है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि यूजर्स के पास ऐसे कॉन्टेंट तक पहुंचते समय सेम ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस हो, जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के दौरान कोलैबोरेशन पूरा होने की उम्मीद है। एप्पल की मशीन लर्निंग रिसर्च टीम ने MLX जारी किया है, जो उसके सिलिकॉन चिप्स पर एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल मशीन लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया एक फ्रेमवर्क है। MLX PyTorch, ट्रैक्स और Aerifier जैसे फ्रेमवर्क से प्रेरित है, लेकिन इसके यूनिफाइड मेमोरी मॉडल से अलग है। MLX में एरेज शेयर्ड मेमोरी में रहते हैं और ऑपरेशन डेटा कॉपी के बिना किसी भी सपोर्टेड डिवाइस टाइप पर किया जा सकता है। वर्तमान में सपोर्टेड डिवाइस टाइप CPU और GPU है। MLX एक NumPy जैसा अरे फ्रेमवर्क है, जिससे कि एप्पल सिलिकॉन पर कुशल और लचीली मशीन लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है। पाइथन API कुछ एक्सेप्शन के साथ NumPy का बारीकी से अनुसरण करता है और MLX में भी फुली फीचर्ड C++ API है, जो पाइथन API का बारीकी से अनुसरण करता है। एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में खुलासा किया कि कंपनी
फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज के रूप में एआई और मशीन लर्निंग में निवेश कर रही है और वे लगभग हर प्रोडक्ट का इंटीग्रल है। जापान का रूलिंग कोलिशन कंपनियों को डिजिटल एसेट रखने पर अनरियलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी गेन्स पर टैक्सेस का भुगतान करने से छूट देने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य टोक्यो के बजाय सिंगापुर और दुबई को चुनने वाले स्टार्टअप पर अंकुश लगाना है। नॉन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रखी गई क्रिप्टोकरेंसी को प्रत्येक फिस्कल ईयर के अंत में उनके मार्केट वैल्यू के आधार पर कॉर्पोरेट टैक्सेस से छूट दी जाएगी। एग्जेम्पशन को फिस्कल 2024 टैक्स रिफॉर्म प्लान में शामिल किया जाएगा। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो सेल्फ इशूड कॉइन्स को छोड़कर उनके क्रिप्टोकरेंसी एसेट के मार्केट वैल्यू के आधार पर कंपनियों पर टैक्सेस लगाता है। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का तर्क है कि ये रूल क्रिप्टोकरेंसी वाली कंपनियों को सिंगापुर, दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन में धकेल रहा है। रशियन डिजिटल सेटलमेंट प्लेटफॉर्म एक्सपेड लॉन्च किया गया है, जो स्थापित लोकल लीगल एंटिटीज को क्रिप्टोकरेंसी में इंटरनेशनल सेटलमेंट की प्रोसेस करने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म जो एक डिजिटल काउंटर पार्टी सर्च सिस्टम है, रशियन इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस और फॉरेन इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रोसेस को सरल बनाता है। ये टेदर स्टेबल कॉइन ऑफशोर रूबल और यूएस डॉलर का उपयोग करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। एक्सपर्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स के कंप्लायंस में लीगल एंटिटीज के साथ विशेष रूप से काम करता है, जिसका लक्ष्य रशियन लीगल एंटिटीज को मिनिमम मार्केट रेट पर इंटरमीडियरीज के बिना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने में मदद करना है। लॉन्च में इंडफाई बैंक सहित प्रमुख इंडस्ट्री पार्टनर शामिल हैं, जिसने पिछले साल डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो रूबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के वर्किंग पेपर से पता चलता है कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर बेटर स्टोल ऑफ वैल्यू के रूप में किया जा रहा है। ईसीबी द्वारा बिटकॉइन को खारिज करने के एक साल बाद आया ये पेपर सुझाव देता है कि हाई इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट में गिरावट वाले देशों में क्रिप्टोकरेंसी का बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है। पेपर ये भी चेतावनी देता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी उन देशों में अधिक क्रिप्टो एसेट यूसेज को बढ़ावा दे सकती है जिन्होंने अपनी डोमेस्टिक करेंसी परचेजिंग पावर में हानि का अनुभव किया है। अनस्टेबल डोमेस्टिक करेंसी से बचाने के क्रिप्टो करेंसी की क्षमता इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपनाने के लिए एक प्रमुख कैटलिस्ट है। डिजिटल एसेट्स EMDE रेजिडेंट्स को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड प्रदान करती है, कैपिटल कंट्रोल को दरकिनार करती है और अब्रॉड से रेमिटेंसेस प्राप्त करने की लागत को भी कम करती है। हालांकि बिटकॉइन की हाई वॉलिटिलिटी लोगों को इसे पेमेंट मेथड के रूप में उपयोग करने से डिस्करेज कर सकती है। बाइनांस उन ट्रेडर्स को मुआवजा देगा जिन्होंने गलती से यूरो के वैल्यू को मिरर करने के लिए डिजाइन की गई AEUR स्टेबल कॉइन की अनयूजुअल प्राइस रैली में खरीदारी की थी। मंगलवार को स्पॉट मार्केट में लिस्ट होने के तुरंत बाद नए लॉन्च किए गए AEUR स्टेबल कॉइन की कीमत में 200% की वृद्धि देखी गई। AEUR USDT ट्रेडिंग पेयर $3.25 पर पहुंच गई, जो इसके लगभग $1.07 के एक्सपेक्टेड वैल्यू से काफी अधिक है। स्टेबल कॉइन के इंटेंडेड वैल्यू से इस विचलन को कुछ बाइनांस ट्रेडर्स की गलतफहमी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो एक स्टेबल कॉइन के रूप में AEUR के नेचर से अनअवेयर थे। प्लेटफॉर्म पर 5 मिलियन की सप्लाई के कारण AEUR स्थिर मुद्रा में सीमित तरलता थी। बाइनांस ने लॉन्च के तुरंत बाद स्टेबल कॉइन की ट्रेडिंग के लिए यूजर्स को जीरो फी प्रमोशन की पेशकश की। अब नॉर्मल प्राइस देखने के बाद बाइनांस ने AEUR ट्रेडिंग पेयर्स की एक रेंज के लिए स्पॉट ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया, जिससे कि AEUR USDT या BTC, AEUR, ETH, AEUR और EUR, AEUR पेयर्स प्रभावित हुए। कॉइनबेस का स्टैंड विद क्रिप्टो कैंपेन 11 दिसंबर को न्यू हैम्पशायर में 2024 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फोरम की योजना बना रहा है। कैंडिडेट्स असा हचिनसन, विवेक रामास्वामी और डीन फिलिप्स ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स पर चर्चा करेंगे। फोरम को कैंडिडेट्स को अलग अलग पॉलिसीज पर क्रिप्टो कम्युनिटी को संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 23 जान को न्यू हैम्पशायर का प्राथमिक चुनाव प्रेसिडेंशियल रेस में महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन और ट्रंप संभावित रूप से सबसे आगे हैं। ट्रंप अपने कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं। कैनेडी जूनियर एक महत्वपूर्ण कंटेंडर के रूप में उभर रहे हैं। चुनाव पर क्रिप्टो फोरम का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि टॉप कैंडिडेट शायद ही कभी क्रिप्टो पर चर्चा करते हैं
जबकि कैनेडी जूनियर और रामास्वामी ने अपने कैंपेन्स में डिजिटल एसेट को प्रमुख विषय बनाया है। अल साल्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति नायब बुकेले जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में समर्थन करने और इसे सरकार के लिए खरीदने के लिए चाहते हैं, ने 2024 में इसे चलाने के लिए इस्तीफा दे दिया। एक निष्क्रिय ईथर वॉलेट जिसे इसकी बड़ी होल्डिंग के कारण व्हेल के रूप में क्लासिफाई किया गया है, ने 5 वर्षों के बाद लगभग $90 मिलियन मूल्य के ETH को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन में ट्रांसफर कर दिया है। शुरुआत में 2017 में 47,260 ईथर प्राप्त करने वाले वॉलेट की वैल्यू $11 मिलियन से अधिक थी, जिसका एड्रेस ऑन चेन एनालिटिक्स टूल लुक ऑन चेन द्वारा लगाया गया था। आकम इंटेलिजेंस के एनालिसिस से पता चलता है कि इस एड्रेस से पिछले ट्रांजैक्शंस किसी भी बड़े एक्सचेंज से जुड़े नहीं थे। हालांकि एक ट्रांजैक्शन का कनेक्शन एक प्रमुख ट्रेडिंग फर्म का मिलान से जुड़े एड्रेस से हो सकता है। क्रैकन में ETH ट्रांसफर का लार्ज वॉल्यूम संभावित परिदृश्यों का सुझाव देती है, जैसे होल्डर स्टेबल कॉइन के लिए ETH का एक्सचेंज करता है और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख भी करता है। इस कदम ने क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित किया है और डिजिटल एसेट मार्केट में प्रमुख प्लेयर्स के प्रभाव को रेखांकित भी किया है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।